अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी फर्स्ट डे, आज मेरा इधर यूनाइटेड किंगडम में इन स्कॉटलैंड, और आवाज़ से पता लग गया होगा कि जस्ट अभी भी मैं उठा हूँ। आई एम श्योर कि आप सब लोग भी खैर खरीद से होंगे। इंशाल्लाह अब से जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ देख करके आएँगे वो उनको ज़रूर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली है। इस वक्त इरादा ये है कि थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है, और मैं अब निकल रहा हूँ कुछ ग्रॉसरीज लेने के लिए, और इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान से या इंडिया से हम लोग क्या ले कर के आएँ और क्या चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए। तो इस वक्त इधर एक इडली या लिडल, मुझे अभी याद नहीं है सही क्या प्रोनाउंसिएशन है, जा करके देख लेते हैं। और उधर मैं जा रहा हूँ, धूप निकली हुई है बाहर, वो आप देखें, ठीक है ना, ये धूप निकली हुई है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, और मुझे उम्मीद है कि मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें निकलते हैं, और मेरा कार्ड कम्स जी। तो मैं रूम से बाहर आ गया हूँ, और सूरज जो है ना वो फुल मज़ा आ रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मरी की सड़कों पे बंदा घूम रहा होता है ना, भाई हल्की हल्की धूप और ठंडा ठंडा मौसम। हालांकि मैं शर्ट में आ गया हूँ, मेरे पास ना नहीं है टी शर्ट नहीं है, वो भी एक स्टोरी है लंबी, इंशाल्लाह एक दो व्लॉग के बाद वो स्टोरी भी आप लोगों को पता चल जाएगी। इस वक्त मुझे लिडल, अच्छी आवाज़ थी इस परिंदे की, लिडल जो है ना सुपर स्टोर, उधर जाना है ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए, आप उसके बाद देखते हैं जी। तो गाइस मैं इस वक्त लिडल जो है उसके अंदर आ गया हूँ, और बैक साइड पे तो सारा जो था ना वो सेक्शन, वो बियर और टॉनिक वाटर और वो सब ना स्कॉच वगैरह, इधर भी ये देखे ना ये दूसरी वो पड़ी हुई है कोला वगैरह, तो इन चीज़ों के साथ तो अपना ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा ये ऐसा लिखा है उसमें कि जो 1 लीटर है ना वो इक्वल टू है 0.639 पाउंड्स, और जो ये गैलन पड़ा हुआ है ये बन जाएगा 1.45 लीटर्स का, ये इस तरह है। खैर मुझे मिल्क लेना है, लेकिन मैं आज नहीं लूँगा, मैं आज योगर्ट लूँगा, और योगर्ट कौन सा लेंगे, ओके जी। तो अभी तक तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में मुझे योगर्ट नहीं मिला, लेकिन इधर जो चीज़ें मुझे और नज़र आ रही हैं ना, ये आप लोग देखें, ये 2 पिज़्ज़ाज़ हैं 2.89 पाउंड्स के, और ये और भी इधर लगे हुए हैं, एक आर्टिकल वगैरह भी पड़ा हुआ है, ये स्टिकर वगैरह नहीं है, ये आर्टिकल है, और ये जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं ये उनके लिए कि आप लोग फ्रोज़न जो है ना इधर से लेकर के जा सकते हैं। और इस तरफ ये आइसक्रीम लगी हुई है, ये 2.75 पाउंड्स, ये ठीक है, ये और ये आइसक्रीम होती भी बहुत अच्छी है ना, ये सब आइसक्रीम लगी हुई है उसी। और ये फिर बच्चों वाली चीज़ें हैं, इनके साथ अपना कोई तल्लुक ही नहीं, मैग्नम ब्लॉक जो है ये गोभी ब्लॉक चीज़, ये कोई मेरा ख्याल है कि ये इसकी बात हो रही है, ये वाला जो है ना ये वाला इसकी 1.79। ये ब्रिटिश गार्डन पीस 95 पेंस गार्डन है। Yeah, you know what?
ब्रिटिश गार्डन पीस जो है ना वो ये वाले हैं, और जो नॉर्मल पीस है ना वो कहाँ पर अभी सामने नहीं है, बल वो ये वाले नहीं होते। उसके बाद ये स्वीट कॉर्न है, ये 1.35 की है। ब्रोकली तो वैसे हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, लेकिन जो वेजिटेरियन है ना उन लोगों को बहुत पसंद होती है। ब्रोकली जो है ना वो 1.09 की। ये स्लाइस्ड वेजिटेबल्स हैं, ये 99 पेंस की। मिक्स्ड वेजिटेबल्स जो हैं वो ये वाली हैं, वो भी 99 पेंस की हैं। और कंट्री मिक्स्ड वेजिटेबल्स वो हैं दो वाली, ये दो बड़ी हैं, ये 1.19 की हैं। और ऊपर पैटीज और ये जो चीज़ें हैं ना, टिक्का मसाला भी इधर बड़ा है, और मोज़रेला नहीं, ये मोज़रेला चीज़ नहीं है, ये मोज़रेला बर्गर्स के ना उसमें दिया हुआ है। और सॉसेजेज हैं, और चिकन कड़ी मसाला है, और ये मैक्रोनी का मेरा ख्याल है मैक एंड चीज़ है ना, मैक्रोनी चीज़ होती है कि अगर आप चीज़ केक के लवर हैं तो यह प्राइस आपके सामने है 3.99 की। और ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, चिकन नगट्स बच्चों के लिए 1.99 के, और ये क्या है, चिकन पॉप्स हैं और चिकन कीव्स हैं, इधर मैंने देखा है अभी, क्या देखा था, एक्चुअली मैंने स्टीक देखी थी, पता नहीं आपको कितना चलेगी, पर ये सब चीज़ें आपके सामने जो यहाँ के लोग हैं वो उन लोगों के लिए जो है ना ये चीज़ बहुत सूटेबल है, और लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं, इन्हीं चीज़ों को ना तभी ये लोग रखते हैं। ओके जी, तो ये एक चीज़ जो है ना अभी मेरी पसंद की जो मुझे आई सामने, ये फ़िश फिंगर्स हैं, तो 1.75 की। ठंड है ना तो उसमें ये चीज़ें ऐसी खानी चाहिए ताकि आप लोगों को, ये फिलेट है, ये भी अच्छी चीज़ है बिल्कुल, और इसकी भी प्राइस आप लोग देख लें। और चीज़ एंड स्पेनिच हॉट फिलेट्स, मुझे नहीं पता ये क्या है, सैलमन 4.79, और वाइट फिश फिलेट्स हैं 4.55, और ये इनको आप लोगों ने मैरिनेट कर करके तो आपने इस्तेमाल करना है। तो वाइल्ड पिंक सैलमन फिलेट है वो 5.15 का है। शम्स भी हैं, नहीं शम्स नहीं है, ये कुछ और है। और ये क्या है, अच्छा जो भी है बरल बस सब देख लें, मुझे सारी चीज़ों का तो पता नहीं है, इंशाल्लाह रफ्तार रफ्तार आदत हो जाएगी। कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी कितने की है, कॉफ़ी की प्राइस कितने की है, ये 4.99 की ये कॉफ़ी है जो कॉफ़ी लवर्स हैं ये उनके लिए। और अब आगे आ जाइए, ये बीन्स हैं यहाँ पर रखे हुए, ये वाले कौन से बीन्स हैं इनके तो मुझे समझ नहीं आ रही है ना, मुझे पहले पता है। ये जो है ना ये सुर्ख लोबिया इधर पड़ा है, और ये सफ़ेद लोबिया पड़ा है, और एक ब्लैक कलर के भी ये बीन्स हैं। और इनकी, इन तमाम बीन्स की जो प्राइस है वो 2.49 है। और ये जो रेड किडनी बीन्स हैं उनकी प्राइस कितनी है, रेड किडनी बीन्स की ये भी 1.29, ठीक है। अब आप ये देखें, ये यूटेंसिल्स हैं किचन के यूज़ के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं किचन टूल्स 2.49 के, और साथ उसके जो हैं ये पेपर प्लेट्स जो सी हैं ये 1.49 की हैं, साथ उसके जो नैपकिन हैं ये भी 1.49 के हैं, ये फूड कवर्स जो हैं 3.49 के। ये जो चीज़ जो मुझे एक अब अच्छी लगी है ना, ये है फूड स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ये 8.99 का पूरा सेट है, और मेरा ख़्याल है कि इसको इधर से ही ले लेना बेटर है। आटा वगैरह बंदा गूंथ सकता है इसके अंदर, कुछ खाना वगैरह रखना हो, बड़े और छोटे भी काफ़ी सारे हैं, और सबसे छोटे भी हैं, ये ठीक है, मजबूत भी है, आई थिंक इट इज़ बेटर, इसको रख लेना चाहिए। पहली चीज़ मेरी बास्केट के अंदर आ गई है। और ये देखें, ये जो नॉन टॉक्सिक पैन है, ये फ्राइंग पैन है 22.99 का, और मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपको ये पाकिस्तान से मिले तो आप लेकर आएँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
और ये छोटे वाला भी 19.99 का, टोस्टर 19.99 का, मतलब क्या बोले लोगों को इतनी महंगी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। और ये स्पाइसेस को रखने के लिए ये मुझे पसंद आया, लेकिन मैं अभी इसको लूँगा नहीं। ये 9.99 का, और ये कैटल 24.99 की है। ये प्लेट्स का सेट है 39.99 का, प्लेट्स का सेट ऑफर है 39.99 जो है वो, और इसके पास अब ये है तो चॉपिंग एंड सर्विंग बोर्ड है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको रोटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 4.99 बेल चकला जिसको बोलते हैं, और ये वैक्यूम जो बॉटल होती है इंसुलेटेड, ये 4.99 की है। अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पेन पेंसिल्स के बारे में भी, तो ये 1.99 की हैं ये, और ये लिखा है 2 for 3 pounds, और बनता तो वही है, बराबर 1 pound की बचत। मिली मुझे अब जॉकेट जो है ना वो मिल गया। ये देखिए, ये ग्रीक स्टाइल जॉकेट है, ये आप लोगों को नहीं लेना। ये जो है ये 2.19 का, पर जो हम लोग जॉकेट खाते हैं एक्चुअली वो ये वाला है, जो नेचुरल जॉकेट जो है, तो नेचुरल जॉकेट जो है ये कितने का, ये 35 pence का, तो ये एक मैं ले लेता हूँ। ऑल मिल्क है ये, अगर आप चीज़ लवर हैं तो ये ग्रेटेड मोज़रेला जो है ये 1.99 की है, और मोज़रेला और चेडर जो है ये 1.99 की है, मोज़रेला और ये वाली चेडर जी। तो अब ये देखें आप लोग, ये बीफ की स्टीक पड़ी हुई है, और नहीं ये रिबाई स्टीक है, पता नहीं अब ये रिबाई क्या है, और ये चिकन विंग्स है 2.49 pounds, और ये थी एक्चुअली, और ये है 8.49 की, और ये यहाँ पे की सॉसेजेस पड़ी हुई है, ये है 3.99 की, और ये क्या है, नहीं ये वो है, हो रहा है ये वो नहीं है जो हमने लेनी है, और ये चॉपस्टिक्स को देखिए, ये है 2.99 की, और ये बर्गर के लिए ग्राउंडेड बीफ है, लेकिन ना इन्होंने टिक्कियाँ बना कर रखी हुई हैं 3.99 की। चिकन के फिलेट्स पड़े हुए हैं, ब्रेस्ट फिलेट, तो ये है 2.29 pounds के, और ये 3.39 के भी हैं, जारी पता के ये थोड़े बड़े हैं साइज में। ग्राउंडेड चिकन भी हैं, मीन्स जिसको हम कीमा बोलते हैं, 2.49। अच्छा एक चीज़ ये देखें आप, ये लिखा है 2.49 ना, ये 2.49 ना इसकी कीमत है, और जो नीचे लिखा है ना 1 kg इक्वल्स टू 4.980 pounds, तो ये इसका मतलब है कि अगर आप पूरा एक 1 kg लोगे ना तो वो आपको 4.980 का आपको मिलेगा। अब आप लोग ये चीज़ देखें, ये मीडियम पैक जो है ना वो है, ये इसकी वजह से नज़र नहीं से यार, ये मीडियम पैक ब्रेस्ट फिलेट है चिकन का 4.69 का, ठीक है, और इसके अंदर 1 kg की प्राइस लिखी हुई है 7.215। इसी के कंपेयर में ग्राउंड इसको देखो ना, ये स्किन वाली चिकन है, ये अच्छी होती है ज़्यादा, एक्स्ट्रा लार्ज चिकन है, तो ये आपको 4.99 की मिल रही है यहाँ पे जो रखी हुई है, ठीक है, और ये 1.9 to 2.25 kg की होगी, तो आप देखो ना ये 4.99 ज़्यादा सूटेबल है, तो मेरा ख्याल है कि इसको ले लेना चाहिए। नाउ इफ यू आर अ बीफ लवर, तो भी सारा सेक्शन ही बीफ का, ये टिक कट मुझे स्टिक पसंद है एक्चुअली, किसी दिन बनाएंगे 4.99 की, 5.99, 6.39, तो ये डिफरेंट जो है इनके हैं, ये मेट बॉल्स हैं, ये 2.19 हंड्रेड मीन्स बीफ जो है ये 3.09 1 kg 6.180, मेरा ख्याल है यही ले लेना चाहिए फिर चिकन को छोड़ करके। ये वाटरमेलन के चंक्स हैं, वाटरमेलन के चंक्स ये 2.49, और मेलन जो है उसके साथ जो है वो 2.25 की। ये टाइट कोला की प्राइस आप देख लें 1.69, और यार इनसे तो मेरा मतलब ही नहीं है 1.49। ये पूरा सेक्शन है ये बना हुआ,
ये आप देखें कि इधर आपको ये मिल जाएंगे ऐसी है, मुझे भी नाम नहीं पता है, आप बस देख लें। और ये 65 और ये इतने इतने का ना, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये तो वो जो प्लेन में मिलते हैं इनको उस टाइम निकालने का दिल करता, ये भी इन्होंने दे दिए 65 और 55 ना। डोनट्स ये भी डोनट्स ही आप कह रहे हैं ठीक है। ये पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, बस वेजिटेबल पिज़्ज़ा उन्होंने लिख कर रखा है। और ये पीटा ब्रेड आ गई। प्राइसेस आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बाय करनी नहीं है, ऑलरेडी इतनी लेंथी वीडियो हो गई है और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ ना। ये जिन लोगों ने डाइट करनी होती है ना, ये देखें ना, होल ग्रेन ब्रेड है ये उन लोगों के लिए। लोग पूरा सेक्शन है इसका जो फ्रूट्स हैं, तो उसके अंदर अब आपको मैं बताता हूँ कि ये लगी हुई है प्राइसेस ना इनकी। और हालांकि काफ़ी कुछ इन्होंने कम कर दी है, मैं तो जो हैं ये आप देखें ये अच्छी हैं, और ये 1.89 की हैं, 400 ग्राम का है ये। और ये लूज बनाना हैं, ये 99 पेंस के। और आगे इसके ऑर्गेनिक बनानाज हैं ये वाले, और ये हैं 1.29 नहीं ये वाले 1.29 के, और जो ये वाले हैं ये 85 पेंस के। अच्छा जी, व्हाट इज दिस मेलन, इसको हम क्या बोलते थे, गर्मा नहीं थकड़ी दवाना, पता नहीं अब क्या बोलते हैं ठीक है। तो ये 2.29 का, और पैशन फ्रूट 1.29 का। ये आ गया पाइनएप्पल 95 पेंस का। आड़ू आ गया 95 पेंस का। कीवी आ गया 29 पेंस का। और ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होने वाले हैं। और ये कितने के हैं, 99 पेंस के। और यहाँ है, ये तो प्लम्स हैं, प्लम्स कितने के हैं, 1.19 के और 1.49 के। मैंगोज आ गए हैं, मैंगोज कितने के हैं, 85 पेंस के। ये नहीं, ये वाले जो हैं ये 1.49 पेंस के, और तो ये वाले हैं ये हैं 85 पेंस के। अब तो देखें ये लेमन, ये 24 पेंस के हैं। और इधर ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस हैं, मतलब ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स भी आ गए हैं। और ये भी लेमन आप देखें 55 पेंस के हैं ये। और नाशपाती आई थिंक, तो हाँ पियर बोलते हैं ना इसको, हाँ पियर। ये है 109 की। और एप्पल मेरा लेने का दिल था, लेकिन अब मेरा नहीं दिल कर रहा एवोकाडो पसंद ही नहीं है इतना, ये खरबला सा होता है, ये खरबला पंजाबी का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में पता नहीं खरबले को क्या बोलते हैं लहसुन, लहसुन जनाब ये वाला जो है ना देसी लग रहा है, और जो ये वाला ये फार्मी लग रहा है। तो कौन सा ये है, ये 95 पेंस का। और दिस वन इज 39 पेंस। तो फिर ऐसा है, जिंजर जो है वो आपके सामने इतना बड़ा बड़ा जिंजर नहीं होता, हमारे उधर होता है ना 5.49, अन्नी मचाई हुई है। दीज आर रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज, ये 49, 50, 75। और पुदीने के पत्ते हैं, और पार्सले, यार ये मुझे बहुत पसंद है पार्सले, 60 पेंस। और अच्छा
अब ऐसा है, मैंने आप लोगों को सभी तीन चीज़ें बता दी हैं। अब मैं कुछ बाय कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी कार्ड के अंदर देखे अभी तक क्या है, तीन चीज़ें हैं बस, ठीक है? मैं कुछ खरीदूँगा और मैं अभी मैंने और भी फ्लावर वगैरह और मैंने वो भी राइस लेने और पता नहीं क्या क्या करना है, तो मैं ज़्यादा ठंड होगी उस दिन ये मैं ले जाऊँगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो स्कारलेट टमाटोज हैं। अच्छा, मुझे ये सुनने में आया कि इनका जो है ना, इनका टेस्ट इतना नहीं होता, वो जो वाइन टमाटोज मैंने लिए हैं ना, वो उनका नाम है जैसे वाइन उनमें डली नहीं हुई है, ठीक है? ये बेबी बेबी टमाटोज हैं। दीज आर ऑल द टमाटोज। दिस इज बीट रूट और इसको हम बोलते हैं चकंदर, और ये 1.39 की है। सैलड तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें कि ये पेपर्स आ गए हैं सारी, ये रेड पेपर्स हैं। ये मिक्स पेपर्स कितने की हैं, 1.49 की। ये मुझे पसंद भी हैं बहुत ज़्यादा। और उसी 1.35 1.59। ये अनियंस आ गए हैं, अनियंस ब्राउन अनियंस जो है ना, विद लाइट की कॉम्प्लिकेशन है, 95 पेंस और 95 पेंस अनियंस, ठीक है? तो मेरा क्या दिल है कि दीज आर गुड। तो ये चले गए आगे, देखें जी आगे क्या है। ये ऑरेंजेस हैं, ना ऑरेंजेस नहीं है, ये यही है, स्प्रिंग ऑनियंस के। और ये कैलरी है, बैंगन 95 पेंस। और ये पता नहीं क्या है, मैंने इसको तो दिखाया नहीं है। बंद गोभी उधर भी लगी थी, 75, कैरेट्स 50, एंड कैबेज 75, और बेबी टमाटोज ये तो लेने ही नहीं है ना। पटैटोज, सॉरी मैंने टमाटोज बोल दिए, ये पटैटोज हैं छोटे, इनका साइज़ क्या है, कुछ छोटा सा ये साइज़ है, और ये बड़े वाले हैं ये साइज़, यानी कि मदर पटैटो और बेबी पटैटो। और ये वाटर मेलन पड़े हैं, वाटर मेलन क्या करने हैं, मशरूम्स हैं, मशरूम्स 1.20। और बस ये मिक्स सैलड है, ब्रोकली है इसके अंदर, और कॉलीफ्लावर बंद भी वगैरह रखी हुई है ना, ग्रेप्स हैं जी 1.90 के। ये ग्रेप्स आपको नज़र आ गए नहीं आए तो ऐसे दिखा देते हैं। और ब्लैक ग्रेप्स जो हैं वो 1.69 के दी सौ। और स्ट्रॉबेरीज 1.49, ये भी 1.49 की। और ये चेरीज हैं, ये चेरीज जो है ना ये अच्छी हैं, ये काफ़ी बड़ी है साइज में ना, 1.79 की है। ये ऊपर ब्लैक बेरीज पड़ी हुई है, ये 1.49। और ब्लैक बेरीज ये शहतूत जिनको हम बोलते हैं, ये 1.99। जी तो यहाँ पर अब हनी आ गई, ये 75 पेंस और 1.35 देखिए ऊपर लगा हुआ है ना, इसका प्राइस कट भी लगे हुए हैं। और ये पीनट बटर आई थिंक सो, नहीं ये नट अब पीनट बटर आई थी 1.49 के।
ब्लैक करंट कैन है, नेस्कैफ ओरिजिनल है 4.49 और इधर एक मजे की चीज़ है तो इधर जो है ना एक्स के फोन में लिखा हुआ है कि एक्स आर लिमिटेड टू पर कस्टमर। तो अब मुझे एक्स लेने हैं, एक्स जो है 1.29 है और 6X जो है वो 1.29। यहाँ पे 10 लार्ज एक्स थे वो 1.79 के थे, वो ख़त्म हो गए हुए। चलें इसको मैं देखता हूँ। अब जो मुझे समझ में आ रहा है ना वो ये है कि ये 15X मिक्स साइज 1.99 ना, तो ये वाले जो है ये मैंने ये हमारी भी बास्केट जो है वो बनने की है। ग्रैनुलेटेड शुगर है ये पड़ी हुई, ये एक आटा भी भाई आप देखो बहुत तो ये एक चाहिए। इधर ये सेल्फ रेजिंग फ्लोर है और ये प्लेन फ्लोर है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये वाला प्लेन लेना पड़ेगा। प्लेन फ्लॉर 75 पेंस का। अच्छा जी इधर एक ये पूरा सेक्शन अब ये चिप्स का, और अभी देखते हैं कि क्योंकि ये हल्की फुल्की स्नैक्स जो है ना वो लेनी चाहिए, कोई बड़ा सा पैकेट मिले ना। ये हैं बड़े पैकेट, ये है 99 पेंस का। अच्छा इसके अंदर 6 पैक्स हैं लेकिन ये प्रॉन है ना। एक और 3.25 का है, कितना बड़ा है ये आपको नज़र आ रहे हैं ये कौन से वाले हैं? ये वाले भी एक है, ये है 3.99, 3.25 और बस यहीं आगे टिश्यूज हैं। चलो इसमें से मैं आप देखता हूँ क्या लेना है। हमारा सेक्शन जो है ना ये टिश्यूज का है, तो इधर 1.35 के हैं ये वाले, मतलब कि 1.35, 1.29 बस इस रेंज में ही है सब चीज़ें। ये डिश वॉशिंग लिक्विड है और ये 65 पेंस का और ये 95 पेंस का और ये एक और इधर वो भी थी ना शॉप करने वाली भी थी, ये इनको साफ करने वाले ये जो स्पॉन्ज होते हैं तिल्ली पंती मुझे चाहिए। ये ले लेता हूँ एक और ये वाला और एक ये ले लेता हूँ। ठीक हो गया वॉशिंग लिक्विड, अब वॉशिंग लिक्विड जो इस बार ये ले चलते हैं फिर आगे देखेंगे। और ये टिश्यू लेना था, टिश्यू मैंने नहीं लिया, टिश्यू ले लेते हैं ये टिश्यूज ले लेते हैं टिश्यू आ गया। ये 1.29 का है। तो अब मैं आ गया हूँ ये इस रेड वाले सेक्शन में, बहुत ज़्यादा वैरायटी है 49 पेंस और 140 पेंस की, ये वाली है 140, 139 की, ये वाली है ये देखें ना काफ़ी डिफरेंट है जो जिसको चाहिए वो वन वाली। तो मेरा तो दिल है वाइट ब्रेड लेने पे, ये वाइट है तो ठीक है ये ले लेते हैं। ये जैम्स का सेक्शन है, इसमें ये स्ट्रॉबेरी जैम मुझे नज़र आया और एप्रिकॉट, तो स्ट्रॉबेरी जैम मैंने ना एक ले लिया, स्ट्रॉबेरी जैम ले लिया। इधर कोई मेयोनीज़ या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आई हैं। तो ये लेडीज़ की चीज़ें हैं सारी, इनके साथ तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो एज ब्यूटी क्रीम और ये सब चीज़ें ना।
तो इधर से हेड एंड शोल्डर ले लेते हैं। ये कितने का है? 5.99 का हेड एंड शोल्डर है जी। और हेड एंड शोल्डर से ये आ गया। अब मुझे एक्चुअली सोप चाहिए, सोप अगर मिल जाए इधर से तो। एक निविया क्रीम लेनी है और एक सोप लेना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इधर से मैं ब्रश ले लेता हूँ। ये ब्रश आ गया, और इधर से कोलगेट टोटल ले लेते हैं 1.98। और अभी भी सोप नहीं मिला। सोप। अच्छा, मैंने सब कुछ तकरीबन ले लिया, बस एक सॉल्ट रह गया। ये सॉल्ट भी आ गया 50-43 pence का टेबल सॉल्ट, ठीक है। और बस अब मैं ना बस मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अभी घर जाके नाश्ता करना है, बनाऊँगा फिर करूँगा। ये देखो ना, इन ये जगह है जहाँ पे फैमिली आपको याद आती है, बिल्कुल आपकी मदद में। तो अब एक शॉपिंग बैग लेना पहले इधर से उठाएंगे और फिर वापसी के लिए। तो अब मैंने शॉपिंग सारी कर ली है। आप लोग ये चीज़ देखें, मैंने 44 pounds के अंदर क्या क्या परचेज़ किया। ये देखें, दो बड़े बड़े थैले मैंने परचेज़ कर लिए, और ये यकीन करें ये बहुत वज़नी है। और मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू देना था। वीडियो मुझे पता है काफ़ी लेंथी होगी हुई है, लेकिन होपफुली आप लोगों ने प्राइसेस बाकी स्टोर्स के अंदर हल्की सी ज़्यादा हो सकती हैं, हल्की सी कम हो सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो लिडल जो है, ये मुझे रात को वो जो मेरे फ्लैट के अंदर लड़के थे उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर एक चीप स्टोर है। मैंने उसकी वीडियो बनाई, और मुझे ये था कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए।